टैक्स में इस साल इतने अच्छे अच्छे अमेंडमेंट्स आए हैं कि इस बार का पेपर तो अमेंडमेंट से ही डोमिनेटेड होना चाहिए। पीजीबीपी चैप्टर में एक बहुत पॉपुलर सेक्शन है, हम लोग उसके अमेंडमेंट की बात कर रहे हैं। सेक्शन का नाम है सेक्शन 44AE। इफ यू रिमेंबर प्रिजम्प्टिव इनकम फॉर प्लाइन लीजिंग हायरिंग गुड्स कैरेज, आपको याद है पुराना प्रोविजंस था, यदि कोई ट्रांसपोर्टर जो प्लाइन लीजिंग हायरिंग ऑफ गुड्स कैरेज का काम करता है तो उसकी प्रिजम्प्टिव इनकम मानी जाती थी 7,500 पर मंथ पर व्हीकल। इसी सेक्शन 44AE में अमेंडमेंट आया है। नाउ सेक्शन 44AE सेज दैट इफ एनी पर्सन, इट इज एप्लीकेबल टू ऑल, इफ एनी पर्सन हु इज एंगेज्ड इन प्लाइन लीजिंग हायरिंग गुड्स कैरेज एंड नॉट हैविंग मोर देन 10 व्हीकल एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, then his presumptive income shall be 7,500 per month per vehicle. यहां तक कोई चेंज नहीं हुआ। Now the amended part is, in case of heavyweight vehicle, the presumptive income shall be 1,000 per ton per vehicle per month. 1,000 per ton per vehicle per month. 8 ton is equal to 1000 kg बच्चों। यानी अब यह देखा जाएगा कि गाड़ी का वजन कितना है। हैवी वेट व्हीकल उसे बोलते हैं जिसके गाड़ी का वजन है 12 टन। अब 12 टन से ज्यादा वजनी गाड़ी को हम लोग बोलेंगे हैवी वेट व्हीकल। तो सपोज एक हैवी वेट व्हीकल है जिसकी गाड़ी का वजन है 14 टन, तो उसकी प्रिजम्प्टिव इनकम हो जाएगी 14,000 पर मंथ पर व्हीकल। फिर से, if you are a plain leasing hiring goods carriage businessman and if you do not own more than 10 vehicles at any time during the previous year, to aapki presumptive income ke liye hum log aapki vehicles to do part mein divide karenge, is it heavy weight vehicle or normal vehicle. What is heavy weight vehicle? Jiski khali gaadi ka vajan 12 ton se zyada ho। तो यदि आपकी गाड़ी का वजन 12 टन से ज्यादा तो हैवी वेट व्हीकल, अदरवाइज नॉर्मल व्हीकल। नॉर्मल व्हीकल है तो प्रिजम्प्टिव इनकम 7,500 पर मंथ पर व्हीकल, और हैवी वेट व्हीकल है तो 1000 पर टन पर व्हीकल, यानी गाड़ी कितनी बड़ी है उतनी बड़ी प्रिजम्प्टिव इनकम होगी। तो सपोज आपकी गाड़ी का वजन 17 टन है तो प्रिजम्प्टिव इनकम विल बी 17,000। अब सपोज ए ट्रांसपोर्टर है जिसके पास 4 हैवी वेट व्हीकल है और 5 नॉर्मल व्हीकल है, और जो हैवी वेट व्हीकल है उनकी वजन है 13 टन, तो सिंस 13 टन है इसलिए उसकी प्रिजम्प्टिव इनकम मानी जाएगी 13,000 रुपया। ऐसी आपके पास 4 व्हीकल है तो 13,000 इंटू 4 इंटू 12 प्लस नॉर्मल व्हीकल 5 है इसलिए 7,500 इंटू 5 इंटू 12। इस तरीके से आपकी प्रिजम्प्टिव इनकम निकाली जाएगी। इस सिलसिले में एक बात बड़ी इंटरेस्टिंग है जो आपके साथ शेयर करूंगा। सपोज आपकी हैवी वेट व्हीकल का वजन 13,700 केजी है, यानी 13.7 टन है। यहां पे लॉ साइलेंट है कि वॉट टू डू अबाउट दिस फ्रैक्शन, वेदर दिस फ्रैक्शन टू बी राउंडेड ऑफ टू नेक्स्ट वन और वेदर दिस फ्रैक्शन टू बी इग्नोर्ड, दोनों में ही लॉ साइलेंट है। जब लॉ साइलेंट है तो जनरल इंटरप्रिटेशन यही बोलता है द बेनिफिट ऑफ डाउट शुड गो इन फेवर ऑफ एसएससी। इसलिए यदि आपकी खाली गाड़ी का वजन 13.7 टन है तो माई सजेशन इज दैट कि ऐसे में आप 13,000 रुपया पर मंथ पर व्हीकल प्रिजम्प्टिव इनकम मानिए, यानी फ्रैक्शन को इग्नोर करिए। फाइनली आई होप ये वीडियो आपके काम आया। 44AE हर साल ही इंपॉर्टेंट है, इस साल तो इसमें अमेंडमेंट आया है तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना बच्चों। थैंक यू।